भारतीय स्टार ओपनर शुभमन गिल वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले डेंगू के शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने भारत के शुरुआती दो मैचों को मिस किया। शुभमन गिल इस साल वनडे फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए उनसे इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और फैंस को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही वो डेंगू की चपेट में आ गए, जिसके बाद उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने अपनी निगरानी में चेन्नई में रखा था। लेकिन अब टीम इंडिया और भारतीय फैंस के लिए गुड न्यूज है। दरअसल गिल पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले अहमदाबाद पहुंचकर नेट्स में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसके बाद उन्हें बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने अपनी निगरानी में रखा था। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का महामुकाबला शनिवार 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस मैच से पहले शुभमन गिल ने अहमदाबाद में नेट प्रैक्टिस की। हालांकि शुभमन गिल के खेलने को लेकर फिलहाल किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आज उन्हें नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है, जो कि भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान की टीमें अपने शुरुआती दोनों मैच जीत चुकी हैं। टीम इंडिया ने अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, इसे उसने 6 विकेट से अपने नाम किया। दूसरी ओर मैच अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेला गया। भारत ने अपने दूसरे मैच में 8 विकेट से अफगानिस्तान को हरा दिया था। वहीं पाकिस्तान ने विश्व कप 2023 में अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ हैदराबाद में खेला, जो इस मुकाबले को उन्होंने 81 रनों से जीत हासिल की। इसके बाद इसी मैदान पर पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेला। इस मैच को पाकिस्तान ने 6 विकेट से अपने नाम किया। अब भारत और पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को शानदार एकतरफा जीत दिलाई। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान ने शतकीय पारी खेलकर श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को अहम जीत दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम का फॉर्म सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। खैर, जो भी हो, इन दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है।